हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे विकास इकोटेक लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने हमें जो एक रिटर्न्स दिए हैं पिछले टाइम में, वो काफ़ी अच्छे थे, तो इसी स्टॉक पर हम दोबारा से एक अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं, उस पर डिस्कशन करेंगे। केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, 3.15 पर ट्रेड कर रहा है, 5% की बढ़त के साथ आज हमें इसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। 52 वीक हाई की बात करें 6.90 रुपीज़ है। मार्केट कैप आप देख सकते हैं 300 करोड़ है, एंड अराउंड आप देखें तो इसकी जो पी रेशियो है वो कहीं ना कहीं 44.35% जो कि एक ठीक ठाक मानी जाती है, अच्छे लेवल पर है। अराउंड डेप्थ पे हम इसका करें तो 151 करोड़ रुपीस का, जो कि आधे 50% जो है वो इसका डेप्ट है, इसकी जो 300 करोड़ की मार्केट कैप में। अगर हम बात करें प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 9.9% की प्रमोटर होल्डिंग, ऐसा पेनी स्टॉक हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में चल रही है स्टॉक के अंदर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर फैक्टर बनता है हमारे लिए। देखिए, आप चलते हैं प्राइस चार्ट पर इस स्टॉक के। अगर हम प्राइस चार्ट पर बात करें इस स्टॉक के, तो देखिए आपको ऑलरेडी पता होगा कि 3.6 3.8 के लेवल्स उसने बहुत इंपॉर्टेंट रखे थे, एंड डाउनवर्ड ट्रेंड जो अपने प्रीवियस उसने सपोर्ट लेवल थे सभी को ब्रेक कर दिया है। एंड अगर हम बात करें 1 मंथ के चार्ट फ्रेम पर, तो आपको 15% का अराउंड इसमें लॉस भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक में हमें गिरावट कंटिन्यूस बनी हुई है, एंड स्लोपी फॉर्म में हमें स्टॉक दिखाई दे रहा है। बट अगर आज के मैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ट को देखूं, तो देखिए आपको एक चीज़ समझ में आएगी, आज के दिन बायर्स काफ़ी अच्छे एक्टिव थे इस स्टॉक के अंदर। देखिए फंडामेंटल की बात करूं तो स्टॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम फंडामेंटल बेसिस पर स्टॉक को खरीदें, बट कहीं ना कहीं विकास, लाइफ केयर आप देखें, इकोटेक देखें, तो दोनों ही गिरते जा रहे हैं। कंपनी में हमें गिरावट लगातार देखने को मिल रही है दोनों ही स्टॉक्स में। अगर हम बात करें आज की, तो आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट 5% का इसमें बायर्स एक्टिव थे वो देखने को मिला है। तो देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक में जो हमारा लोगों का ट्रस्ट है वो जनरेटेड है ऑलरेडी। स्टॉक एक काफ़ी अच्छे लो प्राइस पर भी ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं। बट बेटा स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड आप इसको एक लेवल को ध्यान रखिए, 2.95 को अगर ये ब्रेक करता है तो हमें एक डाउनफॉल ट्रेंड भी देखने को मिलेगा इन द अपकमिंग टाइम इस स्टॉक के अंदर, जो मैं आज के एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका अच्छे से एक एडवांस चार्ट पर एनालाइज कर चुका हूँ, आपको मैं सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस स्टॉक में अगर अप ट्रेंड आना होगा तो वो कहीं ना कहीं 3.75 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। बट अराउंड अभी मैं देखूँ तो स्टॉक में जो लोग बायर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या हमें इसे होल्ड करना चाहिए, कि होल्ड कीजिए, अगर ये 2.90 के लेवल से नीचे जाता है तब आप इसमें सेलिंग भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत लॉस आपको ऑलरेडी देखना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं, पेनी स्टॉक है, 3-4 रुपए का मिल रहा है, तो इनमें आपको रिस्क उतना ही ज्यादा रहेगा। अराउंड मार्केट कैप भी देखें तो इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं है, 300 करोड़ की है, तो मैनिपुलेशन भी इसमें अच्छा खासा में देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक में कहीं ना कहीं बने रहने की राय बताए, रिस्की स्टॉक है, खुद से एनालिसिस जरूर कर लें एक बार खरीदने से पहले, और अपना एक जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो भी एक बार अपने हिसाब से इसमें निकाल कर देख लें, देन आप इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बनाएं। मेरे हिसाब से जो इसमें बायर्स हैं वो कहीं ना कहीं इसमें बने रह सकते हैं, बट जो सेलर्स अभी बेचने की सोच रहे हैं 2.90 के लेवल तक रुकिए, वो अगर ब्रेक होते हैं तो आप इसमें सेलिंग भी कर सकते हैं। एंड फिलहाल हमें एक अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, जो कि अराउंड आपको लेवल्स दिखा सकता है 3.75 के, उसको ब्रेक करता है तो अप ट्रेंड भी हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा।